गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना के हमीदपुर गांव स्थित गन्ने के खेत में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में कच्चे स्प्रिट की खेप बरामद की है। वही बरामद स्प्रिट को पुलिस जब्त करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बैकुंठपुर थाना के हमीदपुर गांव निवासी कामाख्या प्रसाद के रूप में हुई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बैकुंठपुर के दियारा इलाके में शराब तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर स्प्रिट का भंडारण किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए गन्ने के खेत में 25 गैलन में भरकर करीब 1,000 लीटर कच्चे स्प्रिट को छिपाया गया था। इस कच्चे स्प्रिट अवैध शराब बनाने की तैयारी थी। इसी दौरान पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए स्प्रिट को बरामद किया गया है। साथ ही एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। सदर एसटीपीओ अभय कुमार रंजन ने बताया है कि बैकुंठपुर थानाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली कि दियारा इलाके में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर बैकुंठपुर थानाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर गन्ने के खेत में छिपाकर रखी गई करीब 1,000 लीटर कच्ची स्प्रिट को बरामद करते हुए धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर बैकुंठपुर थाने के सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार, सब इंस्पेक्टर सूरज कुमार, सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार, एएसआई विक्रम कुमार की मौजूदगी में छापेमारी की गई और शराब को बरामद किया गया है। बिहार न्यूज प्लस से हितेश वर्मा की रिपोर्ट। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर ग्राम से गन्ने के खेत से स्प्रिट की बरामदगी हुई है। 40 लीटर के करीब 50 गैलन बरामद हुए हैं, जबकि कुल 1,000 लीटर स्प्रिट होता है। गन्ने के खेत में छुपा कर रखा गया था। इस संबंध में एक व्यक्ति श्री कामाख्या प्रसाद के गिरफ्तार किया गया है। पूरी कार्रवाई थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, अपर थानाध्यक्ष हेमंत कुमार, सूरज कुमार शर्मा और थाना के अन्य पदाधिकारीगण ने बड़ी अच्छे से की और करीब 10-11 बजे के आसपास ये बरामदगी कर दी। सर लीटर में कितनी मात्रा होगी? करीब 1,000 लीटर, बताया 25 गैलन है कुल। 40 लीटर का 1 गैलन, करीब 25,000 1,000 लीटर स्प्रिट बरामद की गई।